तो चलिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सीरीज एलसीआर सर्किट अब तक हम जो भी सर्किट्स पढ़ रहे थे उसमें या तो सिर्फ इंडक्टर था या कैपेसिटर था या रेजिस्टर था सीरीज एलसीआर सर्किट में तीनों एलिमेंट साथ में होते हैं इस टॉपिक में सबसे पहले हम सीरीज एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम सोल्यूशन देखेंगे फिर एनालिटिकल सोल्यूशन देखेंगे एलजेब्राइक मैथमेटिकल सोल्यूशन और फाइनली रेजोनेंस नाम के एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट कैसे होता है तो सीरीज एलसीआर सर्किट क्या होता है ये जान लेते हैं सो एज सिंपल एज व्हाट इज शोन एक वोल्टेज सोर्स है वीज बी एम साइन ओमेगा टी इसके अक्रॉस तीन चीजें कनेक्टेड हैं आर एल और सी आर इज द रजिस्टर एल इज द इंडक्टर और सी इज द कैपेसिटर तीनों सीरीज में है आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आर है बी एल के अक्रॉस बी एल है और सी के अक्रॉस वी सी है एट टाइम टी अगर हम मान के चले करंट इन द सर्किट आई है क्योंकि तीनों सीरीज में सेम करंट पास होगा तीनों में किरचॉफ लूप रूल से हम ये कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज का सम जीरो होना चाहिए और वी आर वी एल और वीसी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी जो टोटल वोल्टेज है आर एल और सी के बीच में वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होना चाहिए अब वी एल हमने पढ़ा है एल डी आई बाई डी टी होता है वी आर आई आर होता है और वी सी क्यू बाई सी होता है तो एल डी आई बाईड आई इन टू आर प्लस क्यू बाई सी वी के बराबर होता है इसका मतलब यह है कि करंट इन ईच एलिमेंट तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ये सीरीज है तो i को हम मान के चलेंगे आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हैं। तो हम ये मान के चलेंगे वेर फाइव इज द फेज डिफरेंस तो चलिए देखते हैं इसे हम फेजर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्लियरली करंट फेजर I से डोनेट होता है जहां पे I मेक्स एन एंगल ऑफ ओमेगा प्लस फाइव एक्स एक्सेस के साथ वोल्टेज अक्रॉस आर क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पैरेलल टू आई होगा सेम डायरेक्शन एज होगा कोई भी लैग या लीड नहीं होगा तो वो वी आर से रिप्रेजेंटेड है जो मैंने इस डायग्राम में दिखाया है उसका भी एक्स एक्स के साथ एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव ही होगा कोई डिफरेंस नहीं होगा वोल्टेज और आई के एंगल में फॉर अ रेजिस्टर अब इसकी एम्प्लीटूड क्या होगी वी आर मैक्सिमम होगी आई मैक्सिमम इन आर सिमिलरली इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज है क्रॉस एल है वो वी एल होगा और वो पाई बाई टू अड होगा आई से क्यों क्योंकि इंडक्टर के लिए हमेशा वोल्टेज आई के आगे रहता है बाई अ फैक्टर ऑफ पाई बाई टू अब इंडक्टर के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो वी एल एम है वो होगा आई मैक्सिमम इंटू एक्सएल जस्ट लाइक रेजिस्टर के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आई मैक्सिमम इंटू रेजिस्टेंस है इंडक्टर के लिए वो होगा आई मैक्सिमम इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सेल है सिमिलरली कैपेसिटर का वोल्टेज वी है वो आई के पाई बाई टू पीछे होगा क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस के लिए हमेशा वोल्टेज करंट के पीछे होता है बाय ए फैक्टर ऑफ पाई बाई टू और इस कैपेसिटर की जो मैक्सिमम वोल्टेज पॉसिबल है वो होगी आई मैक्सिमम इंटू जहां पे एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है अब ये जेस है वी आर वी एल और वी सी इन तीनों की जो फेजर रिलेशन है दैट इज गिवन बाय मस्ट बी इक्वल टू ऑब्वियसली जो टोटल वोल्टेज है वो इन्हीं तीनों में बट रहा है तो उन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज अब इसको फेजर के तरीके में दिखाएं तो डायग्राम में आप जहां देख सकते हैं यहां पे तो वी एल जो रेड कलर लाइन से रिप्रेजेंटेड है वी आर ब्लू कलर लाइन से रिप्रेजेंटेड है और बीसी येलो कलर लाइन से रिप्रेजेंटेड है सो दिस इज द वे फेजर्स वर्क अब वीसी और वी एल हमेशा सेम लाइन के अलाग रहेंगे बस ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे ये सेम लाइन के अलाग क्यों रहेंगे क्योंकि बोथ ऑफ देम मेक एन एंगल ऑफ पाई बाई टू

एल एम माइनस वी सी एम और उसको एक वोल्टेज है VC plus Vl, दूसरा है VR, तो इनका सम टोटल होल स्कोर अब वी आर एम हमने पढ़ा वो होता है आई एम इंटू आर और हमने ये देखा कि वी सी एम आई एम इंटू एक्स था और वी एल एम आई एम इंटू एक्स एल था तो स्क्वायर हो गया आई एम इंटू आर होल स्क्स आई एम इंटू XL आई एम इंटू बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने जो ट्राइंगल है हमने। तो इसमें अगर मैं आई एम स्क्वायर को बाहर निकाल लू कॉमन तो वी एम स्क्एगा आई एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वाइनस एक्सएल द होल स्क्वायर तो इससे आई एम की वैल्यू मिल जाएगी मुझे वी एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल तो इसका मतलब यह है जो मैक्सिमम करंट आई एम है वो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस माइनस द होल इसको हम इंपीडेंस बुलाते हैं जिसको हम लेटर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंपीडेंस किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर है एसी सर्किट में जस्ट लाइक रेगुलर सर्किट में आई एम होता है वी डिवाइडेड ओनली आर एक सीरीज सर्किट में जो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर है ये जो एक्सप्रेशन है ये इंपीडेंस है ये रेजिस्टेंस के बराबर का काम करता है और ये जो जेड है उसकी वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर होता है आई एम इज बेसिकली नथिंग बट वी एम डिवाइडेड बाई जेड बिल्कुल ओम्स लॉ वाली एक्सप्रेशन के बराबर है ये वी आर और वी के बीच में जो एंगल है तो वी आर इज रेजिस्टर वाला वोल्टेज एंड वी जो फाइनल वोल्टेज है इनके बीच का एंगल फेज एंगल फाइव कहलाता है और ये फाइव की वैल्यू हम निकालते हैं बाई एक्सप्रेशन टेन फाइव इक्वल वी सी एम माइनस वी एल एम डिवाइडेड बाई वी आर एम ये बिल्कुल वेक्टर वाले एक्सप्रेशन की तरह ही है राइट अगर आप देख सकते हैं वी सी एम माइनस एक साइड है और वी आर एम बेसिकली दूसरा साइड है इन दोनों का रेशियो tan फाइव होगा हेंस फाइव को निकालने के लिए हम ये एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो tan फाइव इज नथिंग बट XC- माइनस एक्सएल बाई आर क्योंकि हम जानते हैं वी सी एम होता है आई एम इंटू एक्स सी एल एम होता है आई एम इंटू एक्स एल और वी आर एम था आई एम इन टू आर तो आई एम आई एमटर डिनोमेटर दोनों से तो तो कैंसिल को हम एक इंपीडेंस राइट ट्राइंगल डायग्राम से समझ सकते हैं तो ये जो राइट right ट्राइंगल है इसके जो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, उनका लेंथ होगा एक्ससी माइनस एक्सएल दूसरे का लेंथ होगा आर जो रेजिस्टेंस है और उसकी हाइपोटेन्यूस है वो z के बराबर होगी z जो है इंपीडेंस और z और r के बीच में जो एंगल है वो phi वो कहलाएगा फेज एंगल तो अगर हम देख सकते हैं xc अगर xl से बड़ा है इफ xc इज ग्रेटर देन xl phi की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी और क्योंकि xc xl से बड़ा है सर्किट कैपेसिटिव इन नेचर होगी अगर xc xl से छोटा है तो phi ऑब्वियसली नेगेटिव होगी जिसका मतलब यह है कि सर्किट इंडक्टिव होगा और अगर इसका मतलब कि सिर्फ बेस बचेगा और सर्किट प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर होगा वो प्योर रेजिस्टर की तरह काम करेगा वो सर्किट तो इसका मतलब यह है कि अगर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों प्रेजेंट है एक बट एक्ससी और एक्सएल की वैल्यू अगर सेम है वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और सर्किट ऐसे बिहेव करेगा एज इफ उसमें सिर्फ एक रेजिस्टर है और की वैल्यू होगी तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट अगर एक्सी ग्रेटर है उसके एग्जाम्पल को लेते हुए अगर उसकी फेजर डायग्राम हम पढ़े वो कुछ ऐसे दिखेगा तो यहां पे एक्सी क्योंकि ग्रेटर देन एक्सेल है तो आई वी को बेसिकली लीड करेगा जो यहां पे आपको दिख रहा है और वो जो phi की वैल्यू जिससे आईवी को लीड करेगा वो एक्सी एक्सएल और आर की वैल्यू से हम डिटर्मिन कर सकते हैं टैन phi होगा एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि वोल्टेज और करंट का बिहेवियर क्या होगा और हमेशा करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट तो ये जो फेजर डायग्राम सोल्यूशन है है तो काफी एलिगेंट बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये इनिशियल कंडीशन सर्किट के इनिशियल क्या क्या स्टेट है इसके बारे में कुछ नहीं बताता है ये बस हमको स्टेट देता है इसका मतलब यह है कि ये जनरल सोल्यूशन नहीं है इसमें जो ट्रांजियंट सोल्यूशन है अलग अलग टाइम्स में जो सोल्यूशन है उसका कुछ जिक्र नहीं करता है ये ये बस एक इनिशियल कंडीशन के बिना एक स्टडी स्टेट सोल्यूशन के बारे में हमें बताता है इसीलिए हम इसके जो थ्रू हमको जो सोल्यूशन मिलता है उसको हम स्टडी स्टेट सोल्यूशन बुलाते हैं अगर हमको ट्रांजिएंट सोल्यूशन भी चाहिए उसके लिए एक अलग अप्रोच यूज करना पड़ेगा जो हम थोड़ी देर में देखेंगे